पृथ्वीराज चौहान ने फौज दई चढ़ाई गढ़ महुबे स्थित सभी श्रोता बंधुओं, आदर के बुजुर्गों, भियार करने के बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री ऐसी भूमि पर बलने वाली हमारी मां शक्ति, आज हम अजय कैसे टेटा के माध्यम से वीर रस्य भरपूर कथा आला मनव्या की प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने 11 लाख फौजों से महोबे को घेर लिया, वहां ने जागन किस तरह से आला उदल को मना के लाएंगे, ये आला मनव्या वीर रस्य भरपूर कथा में अजय कैसेट स्टूडियो में अग्रसर करता हूं। आ जाइए भक्तों, आरे पृथ्वीराज दिल्ली से चढ़ के आरे घेरो महुबे कोरे मैदान मारी महोबो नरघा कर दो बहरो जाई न भीतर चिड़ैया चोला देखे अपनो बाज दे तढ़ल बाए चाकी चल तम होबे में देखे चोला आगे दे तुलग बाए खजरा गढ़ की
बेड़ा डोला दे बोलड़ है ती प्यार वापिस लौटे जाए दहली को मलहा साची दई अवतार मलहना को दियो और लेके पाती माहिल चल दे पहुंचे मलहना के दर देखो है माहिल को बहनी ने पलका दो तो बिछाए हंस के मलना बोलन लागी मेरी मैया के लड़े ते लाल कुशल कुशलिया मेरे पीहर की भैया मोखुआ दीजे बताए कुशलियां हैं ओ रही मैं सुख से राज मही पतरा बेला बिटिया बदलो ले बे आए गौ दिल्ली को चौहान बाचन लागी धरती गिरी ती मूल छा खाए बेटे नरेंद्र जैसे ही महारानी मल्ला ने पृथ्वीराज चौहान का खत पढ़ा आंखों में आंसू लेकर के अपने भैया माहिल से बोली भैया लकी भर गई रानी मलहना की और जल कोर कोर हुई जाए और वीर महोबे में कोई नाय है सुनी भोमे राजा परमानी रूठ गए मेरे जा घर के गीदड़ भव की रहे दिखाए और सिंह ने झैया मेरे कल्हैया बैठे रिज गिर के मैदान और मन के आवे जूझ मचावे दुई में एक कोद हो जाए महारानी मल्ला ने महाराज पृथ्वीराज चौहान के लिए खत लिखा कि राजन हमें आप 8 दिन की मोहलत दे दें 8 दिन के अंदर में आला उदल अगर कन्नौज से चल करके आते हैं
तो उनसे आप युद्ध करना, अगर आला उदल नहीं आते हैं तो मेरी बेटी चंद्राबल का डोला आप बेशक दिल्ली ले जा सकते हैं। दोस्तों गजब हो गया। कभी
की मोहलत है मलहना को मिल गई है, यारो या खतीना की मोहलत है मलहना को मिल गई है। मलहना को मिल गई है मोहलत महाराज पृथ्वीराज चौहान ने महारानी मलना को 8 दिन की मोहलत दे दी है। जब महारानी मलना को मोहलत हो जाती है तो महारानी मलना आल्हा उदल के लिए सुंदर खत लिखने लगती हैं। पास ही में चंद्रावल बेटी बैठ जाती हैं और उदल के लिए खत लिखा, क्या मौसी गरीब की कन्हैया, लाज तेरी लाज है जो दुष्ट मोय घेरे पड़ो, जैसी चिड़ैये बाजू है। आज महारानी मलना अपने गोदी के लाल उदल के लिए खत लिखती हैं, क्या अरे रोई रोई पाती मलना लिखती मेरी गोदी के खिलैया। लिखा पासी में चंद्रावल बैठी थी,
उन्होंने अपने भैया उदल के लिए संदेश लिखा है। और रोई रोई के चंद्र लिखती मेरी गोदी के खिलैया लाल। और अरे कन्हैया उदल भैया संकट पड़ी ये बहन तुम्हारी। सुनी है तो जागन कहने लगे नानी शायद तुम ये शब्द कह रही हो तुम्हें नहीं मालूम है क्या। हेलो
त्यागन कहने लगे नानी हम चाहे अब क्या कलवर को और मामा को ले बनाई पर घोड़ा हर नागर मग बाबो ब्रह्म देव हथियार मनाने के लिए हर नागर घोड़ा पर सवार होकर के और जब कन्नौज की सीम की ओर चलते हैं आहा दोस्तों उधर माहिल ने सुना कि जागन कन्नौज जा रहा है तो पृथ्वीराज चौहान की शिविर में जाकर के चुगिल माहिल बोला के ढेंग माहेल पहुंचे के दिल की बीती दैये सुनाए और सुख की निदिया पीर थी सो भय अब दुख नींद बैठ गई आई सकल संपदा गण बहु बेकी जागन लय कनौजे जाई और बीच में घेरी ले जागन को मारो घेरी जगन काराई चले जाओ तुम खेतल नोई और जागन को लियो बधवाई और ग्यारे सड़के जोर कल बज की सोचो हान लई घिरबाई इत जागन निकली गए महुबे से फाटी कर निकली गए बापारी
भरी भरी रोवे झरी झरी अब का रूठ गए ते भगवान। और मने हमारे विजया बथे के हम भजे महो और मन ही मन करो बिचारे। और जो हम भग जाए रखे तलते तो का जिए बरस हजार के और काज चदे लेके मर जाए हैं पये सुरग लोक में थोरो। और कोड़ा घोड़ा जागन दे देव चुप का लौटी महोवे जाओ। और लूटल महोबो हम दी है जागन साची दई बताए कर। और तब ही जागन बोलन लागे चूड़ा सुन ले अरज हमारे। चोड़ा कर नीति उलटी रीति रहे चलाए। और पहले मौलत दई मलना को बाद में गेल लई घेरवाए। हट जा मेरे आगे से नहीं हम दिए जान सो मार। और बातिन बातिन बतबर हुई गई और बातिन में बढ़ गई रार। और रार के ऊपर गालिय दे तब जी तलवार। और हुक्म सुनाओ नर चोड़ा ने ले जागन को शीश उतार। और पीले बहादुर दहली वाल ले ले हाथ ढाल तलवार। और जागत देखी हेर जागन ने मर्दो सुनियो अर्ज हमार। और बाग दाबी लई है दातन में दोनों हाथ कही तलवार। और धर हरैया जब उत्तर ते धुर दक्षिण में देव लगाए। और धर हरैया जब पूरब से और पश्चिम में देव लगाए। और काट काट छतिन के छोना जागल सन से दए पसार। और पीड़ी मार दई जागन ने हिल गए पैर सिपाहिन क्यार। और भजार पर रही रड़ चेतन में छत्रिय ले ले भजत पिरान। और फौजी भजी रही है रे पीरथिय की चूड़ा देख गो खिसियाए। हुली दो चोड़ाने के हाथी से ले दवाए। और सोले मन सो है किये सांकर सो हाथी को दई गहाए। और पाद जजीर न लो जागन को मरदो सुनियो कान लगाए। और जागन बद गए लड़के तन में तब सुध करी मरद मलखान। और दियत जगत में कोई सूरमा तुम ना छोड़ो वीर मलखान। और मर जय मदती आज ना करियो हुम्मत जाति महोवे काम। और ऐसी बानी दुख की सानी मर गए सुनी मल्हारे राय। और दिल्ली बाली उन भोजन में छूची भजन लगी तलवार। और जागन छूट गए खेतन में चोड़ा भजत डारे हथियार। और आगे बढ़ के आज चोड़ा ने जागन को जब दई ललकार। और जागन पिल गौ रड़के तन में चोड़ई कलंगी लई उतारे। दोस्तों जिस समय जागन ने चोड़ा की कलंगी छीन ली फौजी पृथ्वीराज चौहान की भाजने लगी। दोस्तों गजब हो गया।
तब हा हा करके चोड़ा बोले जागन सुन ले कान लगाई अरे कलगी जागन मेरी दे दे तुम अब चले कनौजे जाओ अरे लूटन महो वो हम साची दई बताए अरे तब ही जागन बोलने लागे छोड़ा सुन ले कान लगाई अरे अपनी करनी मैं जो चूके तो छत्री नाए असल गुलाम अरे कलगी लेखी आज चोरा की चल दे वीर जगन कार भाजी गाओ है दंगल से पूछो पिरथिया के दरबार यारो कलंगी ले छोड़ा की जागन कूचे बोली दो है भैया कलंगी ले छोड़ा की जागन कूचे बोली दो है कूचे बोली दो है के जागन कूचे बोली दो है रविंद्र कलगी ले छोड़ा की जागन कूचे बोली दो जिसमें चौड़ा की कलगी लेकर के जागन जब आगे चले हैं और जब जागन कुढ़र की सीम पर पहुंच जाते हैं भक्तों हुआ क्या आरे जागन पहुंच गए थे कुढ़र में दो ध्यान बिसरना जाए सुंदर बाग हतो तो बोना को जागन सोई गए पैर पसारी जागन कुढ़र में भक्त पहुंच गए जहां का नामी वोना चोर था आरे हारे अथके सफर के बारे आरे निधरक सोबत वागम झारे माली आया ओ हेरे देखत खन दई बोना को खबर लगाए सोआ घोड़ा सुंदर चोड़ा कहने लगा माली अरे ए सोआ घोड़ा सुंदर कोड़ा सोहत आज बाग दरमियान बोनाया ओ तो घोड़ा चुराओ चुप का कोड़ा लो तो उठाए
पता लगाते हुए कुड़हर के पनघट पर आ गए। देखा है जहां पर कुछ स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। क्या और इतना सुंदर घोड़ा कहिए चोरी मिलाए बोनिया राय और काना भनक जागन के पड़ गई चोरी अलई करवाए जाए कि चले गए बंगला में तब बोना ते कही सुनाए घोड़ा घोड़ा बोना लाए सो तुम जल्दी देव गहाए। रही सन चोर बतावे कोड़ा बीस दे लगवाए और नई माल महे तुमको पाजी चूहे कूड़ा हर कोरे मैदान और जा सुन जागर ने सुरखी गई थी गगन पे छाए और नए माले मुहे तो कुचोड़ा अरे में भाने जगन का जाके छटिया धरी तलवारी और यार हाऊ दल कोरे जग जाने जिनके पाट परी है तलवार के और दुनिया जानती है जागन को में भाने जाऊदे सिंगराए जैसे ही उदल का नाम सुना बोना की पिडली कांप गई और कहने लगा और क्या सुन पाई नर बोना ने रह जाए कर और घोड़ा मगा वो है
सो जागन को दो तो गहाए और कूड़ा जागन हम नी नो घोड़ा ले बनो जे जाए और घोड़ा लेके जागन चल दे तब मोना थे कही सुनाए और घोड़ा के बदले जब हम लौटे कूड़ा हर आगे देवे लगवाए और आगे चल दाओ हेरे जगनाई का पहुंचो अकन बज के रे मैदान कर और मन में जागन सोचन लागे दिल में एक आवे एक जाए और को जाने गो जगनाई को आओ शेर हो गए अग्यार और एक हल बाई से बोलत है घोड़े पानी दे वो पिलाए भारी प्यास हमें लागी है भैया सिन्नी दे वो खवाए और घोड़ा से तिलियर बधवाए दुनिया सोने के जागल चढ़ गए खर सूती लई है तलवार कर कोड़ा निकाल लो तो जागन बाही अखन बज कर मैदान और मारे मार के हल भाए न कोई और धरती पे लो तो बिछाए और थाल फेंक दे गलियार न में कोड़न मार रहे लगवाए और रैयत भाजी गड़कन बजखी और जे चनते कही सुनाए और कोई परदेसी या वो शहर ने बने रैयत दिए उजारे और चरकी लाखन से बोले हैं देही कुमर कनौजी राय कर और जल्दी जा बोला घन राना बापा जी खो दियो भगाए ध्यान रखना भक्तों कन्नौज की रैयत भाग करके जयचंद के पास गई है और महाराज जयचंद ने लाखन को बुला के जवाब दिया कि तुम जल्दी जाओ वो कौन कमीना है जिसने अपनी पब्लिक को परेशान किया दोस्तों भूरी हथनी पर लाखन राणा सज के चले हैं
बचिए महारे घोर घमसान। अरे तबही जागन बोलने लागे सुनियो कुमर रे कनो जीरा, अरे मेरी ये तेरी के अब भरनी है देखे किन पे राम रिसाए। जो तुम आज जिंदा कढ़ जाओ अरे जो बच जाबो गल कल बजते तो घर कथा करियो जाय। अरे तब ही जागन बोलन लागे लाखन सुन ले कान लगाए। अरे भूरी शैती आज कनवज में और यम लोक देखियो जाए। जैसे ही उदल का नाम सुना लाखन ने समझ लिया कि निश्चित ही उदल का भांजा जागन है। जागन को जवाब दिया लाखन राणा ने कि जागन चले जाओ तुम गड़र जिगिर में जहाँ पे बसत उदय सिंह राय। चल दे हैं रे कनवज से और रिजगिर की सीधा लगाए। यारो हंसी खुशी में जागन को रिजगिर पठवायो है। पीरन हंसी खुशी में लाखन ने रिजगिर पठवाओ है।
जिगिर पथवाओ है, जागन रे जिगिर पथवाओ है। रविंद्र हसी खुशी में जागन कोरी जिगिर पथवाई दो है। ध्यान रखिए भक्तों, जिस समय जागन को लाखर राणा ने रिजगिर में भेज दिया, जागन जब रिजगिर में पहुंचे हैं जहां पर आला उदल निवास करते हैं, दोस्तों हुआ क्या, इधर आला उदल ने जागन को आते हुए देखा तो रिजगिर के फाटक बंदी करवा दी। अब हुआ क्या, अरे आवत देखो हेरे जागन को फाटक बंद दे करवाए, और जागती देखी हेरे जागन ने दई घोड़ा के एड़ा लगाई, और फर फर सर सर उड़ो तो बछड़ा पहुंचो या चमान में जाई, और रानी मछला के महलन में घोड़ा गिरो है पाज सो जाई, जागन बोलल लागे माई सुनी ले उपान लगाए कर, और कहां पे माई या मामा भेजे सो तुम हम कौन देवो बताए, सुनवा बोलन लागी सुनियो जागन से सरदार, और नौकर चाकर वे जय चंद के बेमर मरे का जरू जाए, मिट गो बंसक बना फरन को गाजर में गए ममान साए, जब महारानी सुनवा ने कहा कि आला उदल बिरिया के युद्ध में मारे गए तो मुस्कुरा करके जागन बोले माई और हंस के जागन बोलन लागे और हंस के जागन बोलन लागे माई साची देव और किन पे काजर तुमने दे लो तपने कर सोले सिंगार, मालूम पर तिमोई जिया रामे माई करो दूसरो यार, और कायल हुई के सुनबा बोली जो भाने जगन कारा है, और नौकर चाकर बेजे चंद के बैठे आज कचेरी जाए, और पादी टेरी आज सुनवाने और बंगला खो दई थी पठाए, और जल्द चली जा तू कल बजनो और उदल को लइए लिवाए, और पाली चल दई है रिज गिरते मस्कत जाते मधुरिया चाल, चटक चुदरिया लटकतिया वे धोतिया दवती पाए सो जाए,
की बोली मंडल ही कसे जेठे देश राज के लाल मोहर तुम्हें बुलाओ है मछला ने सो चलवे को हो तैयार चल दे अब कल बहते पूछे रिज गिर के मैदान और रानी मछला के आंगन में पहुंचे देव कुंवर के लाल और ढालो देखो नर जागन को आला छाती कुशल कुशलिया गढ़ महुए की जागन हमको दियो बताए और तब ये जागन बोलन लागे मामा सुनो बना भर राय और कुशल कुशलिया ना महुए में सुख से राज्य रजा फरमान और पृथ्वी राज दिल्ली ते चढ़ के घेरो महुए को मैदान और मारे महुबो न रघा कर दो बहरो आई न भितरो जाए चलो के गढ़ महुबे को और पीरथी को दियो भगाए जागन की बात सुनकर के आल्हा ने कहा जागन शायद है वो दिन मुझे याद है भर भादो में हमें महाराज परमाले ने निकाल दिया था और आल्हा बोले हैं सतर जा परिवार अरे तन का बात के ऊपर जागन मोई भादों में दयो निकार अरे हम न बिंबा महुबे में जागर तुम को दई बताई वीरन सुन के इतनी बात हाय तब जागर रोई गए यारो सुन मामा की बात हाय तब जागन रोई गए जागन रोई गए हैं हाय तब जागन रोई गए हैं रविंद्र सुनिया में बैठे हैं तो हुआ क्या
और भोजन त्यार धरे चौका में सब ही जीवना लगे जीवनार और कोर उठाओ तो मंडली कने भोजन रक्त वरण हुई जाई कने करवे तेगा लो तो ठाए और कौन सुपापी मेरे आंगन में बाने राखो तो भेद छिपाए सोई रोई के जागन बोलन लागे मामा पन्या परे तुम्हारे में ही पापी है तेरे बगला में नहीं राखो भेद छिपाए और भारी गमी भाई सिरसा में मारे गए मलारे राय और रड़िया बैठी है गजमोतीन पाको दुख सो न जाई राहुल जैसे यालो ने सुना कि मेरा छोटा भैया मलखान सिरसा में मारा गया दोस्तों आला का कलेजा फट गया और मरो मलारो सिरसा बालो जानो मंडली के अवतार और मूढ़ मार दो मंडली कने हाय दैया कहीं न जाई और मछला रोबे दिबला रोबे फुलवा रोई रोई के रह जाए और उदल के या जुहाए रोबन में पक्के महल झना को खाए काफी समय तक आला और सभी परिवार के भक्तियां रोते रहे मलखान की याद में। उसके बाद में उदल ने कहा भैया महाराज परमाल से थोड़ी सी भूल हम पे हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है दुख में हम पीठ दे जाएं, अब हमें कन्नौज से महोबे को प्रस्थान करना है। तो आला ने कहा कि भैया चिंता मत कर, मैं महाराज जयचंद से आज्ञा ले लूं। तो रिजगिर से निकल करके आला कन्नौज में पहुंचे हैं और महाराज जयचंद से बोले और जाए के बोले न जयचंद से सुनियो कन्नौज के सरदार और आओ बुलवा है महुबे से आज्ञा देवो महुबे जाए और बाद में लौटे के हम आवेंगे पहले पीरथी कुंदे में भगाए और तब जयचंद बोलन लागे आंखें करी थी एकदम लाल खाए मुटाने मेरी गाजर में तब तुम महुओ पालो लखाए खोदे जाऊ बागोजर को आल्हा रहो महो बे जाए और नजर के दिया लाखी करके पहरा डबल तो लगवाए और चुप का पापी लिखिया लाने और उदल पे दई पठाए और लिखो मांगत है गाजर को मेरी के दिलाई करवाए सुरत खबरिया उदल चर गए नैना काल रूप हो जाए और जाए के बोचे गढ़
कनवज में मर दो सुनियो का न लगाए। मार संतरी बेड़ा कर दे छतरी टूक टूक उड़ जाए। और कौन से तेरा मेरे भैया है दादा के दिल वो करवाए। और मारे भजाओ पहरेदारन को एकदम कूदी पड़ो गहरा। और दादा जयचंद के मोहरा पे कर जो शेर महो बेकार। और सिर पे धर के नग्न सिरोई थोन में भाला धरो जमाए। और कहो हम तुम्हारो पेट भार दे कहो सिर धड़ से ले में उतारे। जयचंद भैया के दिलो है करवा। अरे लेखो मांगत तुम गाजर को तो तुम सुन ले बेचन हमारे। अरे कलम दान कागज ले आबो अब तुम लिख ले कलम संवार। अरे पहली लड़ाई भाई प्रिया पे सौकर पट्टी की कहला। और दूसरी लड़ाई अब भाई बिरिया में लिखते जइयो आप समारे। अरे रिंकू यादव बाबा बिरिया में बाजिए रात दिन तलवार। अरे नरेंद्र यादव भरे होंकारे बीर सिंह भाजो पीठ दिखाए। अरे तीन महीना तेरे दिलनो प्रिया पे बजी विषम तलवार। तंग बेदुला को ना छूटो ना दे ही एक खुले हथियार। अरे जोगा भोगा सूरज जूझ गए दोनों सोनमती के भाई। अरे सब ही कनवज की कीमत को जूझो पपिया बाज हमारे। अरे राहुल यादव हर मई के सुंदर ढोलक रहे बजा। अरे गुलशन तूफानी जी कहिए तेरी ये ताल दे उठना। अरे जयवीर सिंह चिमटा पे बैठो सुंदर सूरत पर लखाई। रविंद्र चेतन आज बाजा पे और जयचंद ते कही सुना।
जोगा भोगा के बदले में हम लाखन को जाए। अरे घोड़ा पपैया के बदले में मोई बिजरासिन देवो मगाई। अरे हसी करी ती उदल हमने तुमको साची दई है बताई। अरे भुजा पकड़ के ने जला खन की और उदल को दई है कहा। अरे जल्द चले जाओ कगड़ महुबे को और पियथिया को दी जो भगाए।